जिले के बेटे डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा कोरोना वायरस के डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा बनाने वाली टीम में हुए शामिल और गांव में हुई खुशी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां जिले के बेटे अनिल कुमार मिश्रा कोरोना वायरस के डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा बनाने वाली टीम में शामिल हैं। डीआरडीओ की ये दवा इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है। दरअसल क्लिनिकल परीक्षण के मुताबिक यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के तेजी से ठीक होने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा मरीजों के अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। इस दवा को बनाने में डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने अहम भूमिका निभाई है, जो मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं। दावे के मुताबिक 2DG कोरोना संक्रमित दवा बच्चों को भी दी जा सकती है। इस दवा से बच्चे भी जल्द ठीक हो रहे हैं। DCGI के क्लिनिकल ट्रायल के बाद DRDO की इस कोविड रोधी दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी गई है। DRDO ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। कोरोना मरीजों के लिए इस तरह की गेम चेंजर दवा बनाने वाली वैज्ञानिकों की टीम में शामिल डॉक्टर अनिल मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। उन्होंने साल 1984 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc और साल 1988 में काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विभाग से PhD की। जय प्रकाश वर्मा जी। जय प्रकाश जी, किस गांव से आप प्रधान हैं? सर, हम ग्राम चक नगर जिला बलिया जी। प्रधान जी, आपके गाँव में अनिल कुमार मिश्रा जी जो वैज्ञानिक हैं, वो आपके गांव के रहने वाले हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी ज़िंदगी की कैसे आप उनको जानते हैं? अच्छा सर, ये तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में अनिल मिश्रा जैसे लोग पैदा हुए हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं सर कि जितनी मेरी उम्र हुई उससे कहीं ज़्यादा दिनों से वो बाहर रहते हैं, लेकिन उनका परिवार बहुत ही अच्छा है, पढ़ने लिखने में लोग बहुत बढ़िया हैं। और उनका मैंने यहाँ से वो दीनदयाल गोरखपुर से किए थे, उसके बाद BHU में पढ़े, उसके बाद वो बाहर ही रहते हैं सर। सारी पढ़ाई कहाँ से किए थे वो? शुरुआत पढ़ाई कहाँ से किए थे, बलिया से किए थे या उसके? नहीं सर, वो गोरखपुर से किए थे, उसके बाद BSc किए थे गोरखपुर से, उसके बाद BHU से पढ़े थे सर। आखिर इतना आगे बढ़ना, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो उन्होंने एक इतिहास रच दिया? सर, उनके परिवार का ही मतलब पारिवारिक जो लक्षण है बहुत अच्छे हैं सर। उनके घर में उनके बड़े पापा हों या चाहे सभी लोग बहुत ही मतलब पढ़ाई में वो लोग रुचि रखे हैं, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे सभी लोग सर। उनका पूरा परिवार ही मतलब शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे है सर। शुरू से ही पढ़ाई में उन लोग की रुचि थी? हाँ सर। हाँ सर जी, अभी उन्होंने जो कार्य किया है कोरोना के दौरान उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उससे तो मेरे को ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मेरे गाँव का एक आदमी जो मेरे चाचा लगेंगे या बड़े पापा लगेंगे, आज इन्हें इतना बड़ा आविष्कार कर दिया। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उस गांव का प्रधान हूँ जहां अनिल मिश्रा जैसे लोग पैदा हुए हैं सर। तो जी, तो जो आज वो कोरोना का जो दवा वो बना रहे हैं, जिसका दवा कर रहे हैं, तो आपके अनुसार वो कितना प्रतिशत सही हो उसको आप देख रहे हैं? सर, वो तो मान लीजिए कि आज तो देख ही रहे हैं सब लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, अगर उन्होंने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और ये काम कर रहा है तो जानते ही सर, ये संजीवनी बूटी की तरह का है। तो आपके गांव में कितनी खुशी है इस चीज़? सर, हमारे गांव में तो बड़ी खुशी है सर,